नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। क्रिकेट जगत के सबसे महान गेंदबाज शेन वॉन को आज 30 मार्च बुधवार के दिन क्रिकेट के सबसे जाने माने मैदान MCG यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान कई जाने माने शख्सियतों के साथ हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक मौजूद रहे। पूर्व खिलाड़ी जैसे एडम गिलक्रिस्ट, माइकल क्लार्क और ब्रायन लारा जैसी क्रिकेट की बड़ी हस्तियों ने इस मौके पर शेन वॉन को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार ये कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ। शेन वॉन का जन्म मेलबर्न में हुआ था और इस मैदान में शेन वॉन के रिकॉर्ड लाजवाब हैं। वॉन ने अपने करियर का 700वां टेस्ट विकेट इसी मैदान पर लिया था। इसके अलावा MCG पर खेलते हुए शेन वॉन ने टेस्ट क्रिकेट में 64 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने क्रिकेट के अपने शुरुआती दिनों में इंग्लैंड के दिग्गज माइक गेटिंग को बोल्ड कर 1990 के दशक में लगभग खत्म हो चुकी लेग स्पिन की कला को नया जीवन दिया था। उस बॉल को सदी की बेस्ट गेंद भी कहा गया था। आपको बता दें कि शेन वॉन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे समर्थकों की कुल संख्या 50,000 तक थी। शेन वॉन की मूर्ति मैदान के बाहर रखी गई है, जिसे लोगों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा MCG में उनके नाम का एक स्टैंड भी बनाया गया है। क्रिकेट में शेन वॉन का योगदान बहुमूल्य है और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से मौजूदा पीढ़ी को भी अपनी कला से काफी प्रभावित किया है। उनके नाम टेस्ट में 708 विकेट है, जो टेस्ट क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज के नाम दूसरी सबसे ज्यादा विकेट है। यकीनन शेन वॉन एक महान गेंदबाज थे। वन इंडिया की तरफ से शेन वॉन को श्रद्धांजलि।